मुझे ऐसा लगा ऑस्टम के बाहर डालेगा वो वहाँ से भागा मैं सफल हुआ ऑस्टम के भारी बॉल आई जो मैंने सोचा वही काम हो गया uh, <laughs> <laughs> मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि सम विंस आर मोर देन अदर्स कि मतलब आप मैच तो जीत रहे हैं दो पॉइंट तो आपको मिल रहे हैं जी. पर कई जीते जो होती हैं जब इतनी पीछे से आते हैं कोई बड़ी टीम को गिराते हैं कोई ऐसी सिचुएशन उनमें दो पॉइंट तो मिले पर जो अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टर शॉट मिलता है और वो वो तो का तो का मैच था ही? का मैच था था और उससे पहले जो पंजाब वाला मैच हुआ था जो पंजाब के अगेंस्ट खेल रहे थे सीसीआई तो और वो हार्दिक बैटिंग ही ऐसी कर रहे थे हमें लगा यार अठारह ओवर में चेज हो जाएगा मैच हा, हा, बैट अपने हाँ हा, बिल्कुल हम तो बैठे हुए थे आशी भाई कहते जरूरत नहीं यार बैठ जा रहा है तो मैंने कहा चलो पैड पहन के बैठे हुए हैं तो फिर बीच में आके वो अर्षदीप ने एक दो ओवर ऐसे डाले मैच फंसा वहां से मुझे क्या पता था कि लास्ट दो बॉल पे दो छक्के वाली इनिंग आ जाएगी और वो ऑडियंस स्मिथ ने थ्रो भी फेंक दिया फिर वो आ, जो उसने तो अगर लोगों को, लोगों को को याद ही होगा पर बताया उनको आई थिंक ओवर क्या बोला था बाउंड्री पे बॉल जाएगी तो दो, दो ट्राई करेंगे छक्का लगता है तो होगा मैच क्लोज जाएंगे तो मैं पहले थोड़ा पहले भाग गया तो मिलर ने मारा और ओडेन स्मिथ के हाथ में सामने बॉल आ गई अगर वो भाग के भी लगाता तो मैं तो भी आउट था तो उसने बॉल फेंकी हमारे पास चांस बढ़ गया तो मिलर आया वहाँ से मिलर कहता कि यू आर हिटिंग इट मैंने कहा हाँ मतलब सोच तो मैं भी यही रहूँ तो ऑप्शन ही नहीं है ना कोई दो बॉल में दो छक्के तो मार नहीं है हाँ. तो वो पहला लगा उसके बाद फिर डेवी ने बोला कि अगला भी मार रहा है तू मुझे भी यही था मारना तो छक्का ही पड़ेगा चौके से भी नहीं जीतेंगे तो पता नहीं कहीं ना कहीं वो एक प्री प्लान वाला जो शॉट होता है वो शॉट इंस्टिंक्ट आई कि यार ये तुझे तो ऑस्ट्रम के बाहर बॉल डालने वाला है

Best single of the game. <laughs> so that good fortune single happens. That's lucky. So I think at that stage it's more just affirmation, yeah. isn't it? You know, come on, fist pump! You can do this. You know, just watch the ball. Do you know, stick to your plans or whatever it is. I mean, he obviously was watching the game. You know, the balls leading up to that, and Odin was bowling wide. A lot of the guys were bowling wide. So his his. Uh, I mean, it's either the lap. Or over wherever <laughs> you hit it. Um, so he kind of stepped across and and hit it over car corner, and um, the last ball stepped even further. Across. Yeah, yeah. So kind of had his plans, and, and that's what I've really enjoyed about Raul over the last couple of years. Um, he's a good thinker of the game. Um, he he really goes about his business in a in a mature way, and you know there's not just oh, okay, well Raul's won the game. Like there's a lot of thought behind it. Um,

मतलब थॉट्स तो ऑब्वियसली इतना थॉट भी आ गया था कि आईपीएल का तेरा लास्ट मैच है बाप रे ऐसे आई कि मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि प्रेशर मैंने अपने ऊपर इतना ले लिया था कि यार अठारह बॉल सात आठ रन यार आई पी का लास्ट मैच भी हो सकता है दुनिया देखती है यार आई पी यार बिल्कुल पर फिर मैंने कहा चल ठीक है इससे नीचे तो क्या ही लग सकता हूँ मैं यार फिर वो क्वार्टरल वाला जो ओवर आया अब तो तीन ओवर में फिफ्टी वन रन चाहिए थे मुझे लगा था मारना ही मारना है यार पहला कनेक्ट हुआ मैंने कहा ठीक है दूसरा कनेक्ट हुआ थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा अपने आप में तीसरा मारा मैंने कहा फिर पक्का तो, hmm. <laughs> तो वो बॉल डाले और मैं अपना मिड विकेट पे घुमाऊ सारे कनेक्ट होते गए और जो एक मिस हुआ वो भी बॉल था मैंने बाद में देखा हाई में देखा जो मैंने मिस करी वो भी सेम बॉल थी लगने वाली

वो कि हुआ क्या था ये मेरे को वो समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली मैं खुद इमेजिन नहीं कर पा रहा था मेरे साथ हुआ क्या ये yeah. फिर बस में बैठ के आ रहे थे तो मैं एक मारकंडे कहता कि पाजी यार थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाओ <laughs> मैंने कहा यार भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट कैसे करूं अभी yeah. yeah. तो <laughs> कहता कि जब मैं अपना पहला आईपीएल सीजन खेला था ना मुंबई के लिए जब वो खेला था तो उसने माही भाई रायडू भाई सबको आउट किया था तो वो कह रहा था कि मुझे भी समझ नहीं आया था क्या क्या कर क्या रहा हूँ मैं ये जब मैं अगले दिन सुबह सो के उठा था तब मुझे पता लगा मैंने कितनी बड़ी चीज कर दी अपने पहले मैच में तो कह रहा है आप जब कल सुबह उठोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ कि आपने nice. बहुत बड़ी चीज करी है nice. फिर समझ आया फिर कि हाँ कि जब वो मैच के बारे में सोच रहा था कि यार क्या कम किया है तब yeah. तब बड़ा तब लगा अच्छा प्राउड फील हुआ था